अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वो देखिए कितनी सारी बर्ड्स बैठी हैं, शायद दिख नहीं रहा हो, अब दिखेगा। और मॉर्निंग हो गई है, मैं मूसा को आई थी नीचे ड्रॉप करने के लिए। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं। मूसा चले गए स्कूल, आइए पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये बर्ड्स को खाना वगैरह दे दिया जाता है, तो यहाँ पे ये आ जाती। अच्छा, नीचे पिजन्स हैं और ऊपर एक दूसरी छोटी बर्ड्स हैं वहाँ पे, वो देखिए उस जगह पे। तो इस ट्री पे टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स रहती हैं। वो देखिए कितनी बसेस एंड ऑल सवारी, बहुत सारी बसेस इस तरफ, आज तो बहुत सारी बसेस इस तरफ आई हैं। मुझे लग रहा है किसी तरफ का वे बंद है या कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आज तो काफ़ी सारी बसेस मैंने देखी। तो आज मैं आपको दूंगी राजमा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही डिलीशियस राजमा बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो अभी हम लोगों, मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है राजमा को, और इसके अंदर हम विसल देंगे, 3-4 विसल देंगे। और इसमें हम अभी क्या क्या ऐड करेंगे तो चलिए वो देख लेते हैं। तो फिर अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 बिग कार्डमम, ये है, और जाएगा इसके अंदर सॉल्ट। सॉल्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस 1/2 टीस्पून डाल दीजिए। और इसके अंदर बे लीफ भी डालनी थी, 2 बे लीफ, बट अभी मेरे पास बे लीफ ख़त्म हो गई है तो मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। तो आपके पास अगर बे लीफ हो तो आप इसके अंदर 2 बे लीफ भी डाल दीजिएगा, और इसके अंदर वाटर रख के, आपको वाटर इसके अंदर बस राजमा से थोड़ा सा ऊपर तक के आना चाहिए, इतना आप डाल दीजिएगा। और इसको सिंपली बॉईल कर लीजिए विद 3-4 विसल। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया है ये एक पॉट। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल, ये एक्चुअली ऑलिव ऑयल है, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, तब आपको इसमें ऐड करनी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि जो कि कलर बहुत अच्छा देता है। तो अब हम लोग इसमें वो ऐड करते हैं। तो ये देखिए मैं पहले, सबसे पहले इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपना टोमेटो अनियन पेस्ट। अब ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। एक्चुअली मैं इस बर्तन में कभी बनाती नहीं हूँ, ये हैंड वेल्डर के बर्तन में, तो आज मैंने कहा इसमें ट्राई करती हूँ। इसमें काफ़ी स्टीम काफ़ी बन रही है, इस वजह से वो स्टीम कैमरे पे आ रही है, तो बार बार ब्लर दिख रहा है। अब नहीं आएगी क्योंकि अभी तक इसमें टोमेटो एंड अनियन का पानी था, लेकिन फिर कितनी आ पानी था उसका, तो इस वजह से इसमें काफ़ी बन रही थी स्टीम, बट अब नहीं बन रही। राजमा मसाला पाउडर, सॉरी मुझे ऐसा लगा था कि कैमरा ऑन है बट वो ऑफ था, तो मैं इसमें टर्मरिक पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर डाल चुकी हूँ। उसके बाद मैंने देखा तो मुझे पता चला कैमरा ने भी ऑन है, बस सब्जी इसको डाल के आपने भूनना है। सॉल्ट ऐड कर दीजिए, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम राजमा, इसमें राजमा ऐड कर दिया है, अब इसको चला देंगे। और फिर बाद में जब ये बन जाएगा तो इसमें बहुत थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दीजिएगा, और
कोरिएंडर लीव्स जाएगी इसके अंदर, बस हमारा राजमा बनके रेडी। और ये खाने में बहुत डिलीशियस बनता है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई भी इसमें झंझट नहीं, कोई काम नहीं है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिए। और ये देखिए मेरा स्पैचुला जो है ये पिंक कलर का ही था, इसकी स्टिक भी, बट ये टूट गया था तो मेरे पास ये ब्रश था तो मैंने इसके अंदर लगा लिया, तो ये 2 इन 1 हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी थी पराठा, एंड ये बन रही है हमारी टी। और बस आज मैंने सोचा पराठा एंड राजमा नाश्ते में कर लेते हैं, और डे टाइम में राइस तैयार कर लेंगे तो राजमा एंड राइस हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी चालू खाना बनाना ही पड़ता है। जब आपका दिल नहीं होता है किचन में ज़्यादा काम करने का तो आप भी इस तरीके से चालू खाना बना लिया करिए, ठीक है, कि 1 डिश बनाइए, उसी को ब्रेकफास्ट में चला दीजिए और उसी को राइस के साथ आप डे टाइम में ऐड कर दीजिए। ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है, अभी हमें चले जा रहे हैं। ये ग्रेप्स भी लाई थी, ये बहुत ही स्वीट ग्रेप्स हैं, बहुत ही टेस्ट में अच्छे हैं इन, और क्या कहते हैं, देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, पता नहीं कि किस कंट्री के हैं, किसी डिफरेंट ही कंट्री के होंगे। और आई होप यू लाइक माई सिंपल इजी एंड डिलीशियस राजमा रेसिपी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर यू ऑल।